न्यू रिलीज मूवी जो अभी नया लॉन्च हुआ है, तो उसको आप कैसे मूवीज़ या वेब सीरीज़ को बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट मूवीज़ है सालार। हाँ जी दोस्तों, अगर आप मूवीज़ लवर हैं, मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो दोस्तों आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप न्यू रिलीज मूवीज़ को कैसे देख सकते हैं और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो में ऑफिशियली मेथड से बताऊंगा कैसे आप न्यू रिलीज मूवीज़ को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो वर्क करेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन। हाँ जी दोस्तों, अगर आप न्यू रिलीज मूवीज को देखना चाहते हैं और साथ ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बताऊंगा कैसे आप न्यू रिलीज मूवी जो अभी नया लॉन्च हुआ है, तो उसको आप कैसे मूवीज या वेब सीरीज को बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट मूवीज है सालार है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आई स्मार्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पे महाराजा है, फिर उसके बाद यहाँ पे रायन है। सारा जो न्यू मूवीज़ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप न्यू रिलीज मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप कोई वेब सीरीज़ लवर है, वेब सीरीज़ भी आपको पसंद है देखना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप न्यू रिलीज मूवीज़ या वेब सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में सारे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप न्यू रिलीज मूवीज़ को देख सकते हैं और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में तीन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, तो तीनों एप्लीकेशन में से जो एप्लीकेशन आपको सूटेबल लगे, जो एप्लीकेशन आपको अच्छा लगे, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं और न्यू रिलीज मूवीज़ को देख सकते हैं और साथ ही अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। अगर आपको न्यू रिलीज मूवीज़ को देखना या डाउनलोड करना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना, प्ले स्टोर पर तीनों एप्लीकेशन आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपको प्ले स्टोर पर सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पर सर्च करना है आपको, तीन एप्लीकेशन का नाम मैं बताऊंगा, तीनों में से जो एप्लीकेशन आपको पसंद आएगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन सर्च करना है Z5, ठीक है। Z5 एप्लीकेशन आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर। Z5 एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों मेरे फोन में Z5 एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों Z5 एप्लीकेशन मैंने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रिलीज मूवीज यहाँ पे मुझे दिख जाएगी, जैसे कि भैया जी है, एक बंदा काफी है, ककोड़ा है, फिर उसके बाद देखिए सैम बहादुर है, फिर उसके बाद है यहाँ पे लैला मजनू है, साइलेंस 2 है, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी मूवीज़ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सारा मूवीज़ को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, सारी वेब सीरीज़ को बहुत आसानी से देख सकते हैं जो Z5 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। और भी एप्लीकेशन, मैं दो एप्लीकेशन और बता दूंगा। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपको यहाँ पे बाई प्लान का ऑप्शन दिख रहा है, बाई प्लान पे क्लिक कर देना। दोस्तों बाई प्लान पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसका प्लान दिख जाएगा, 1199 का प्लान है एक साल का। यहाँ पे HD में अगर लीजिएगा तो 899 का प्लान है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर मंथली में 199 का प्लान है, 199 अगर पे कीजिएगा तो एक महीने तक आप कोई भी मूवीज वेब सीरीज को देख सकते हैं, साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन है, यहाँ पे देखिएगा दूसरा एप्लीकेशन आपको सर्च कर लेना है MX Player, ठीक है। प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन सर्च कर लेना है MX Player। MX Player एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में। हाँ जी दोस्तों, MX Player पे भी अब आप लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज को बहुत आसानी से देख सकते हैं और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों MX Player आपको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपको MX Player एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा शोज है, मूवीज है, MXDC है। तो यहाँ पे मूवीज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवीज आपको दिख जाएगा, इसमें से कोई भी मूवीज आप देख सकते हैं, कोई भी, क्या आप सारी मूवीज को देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सस्ते में आपको यहाँ पे लोगो का ऑप्शन दिख रहा है, लोगो पे क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसका प्लान भी बहुत सस्ते में मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ मात्र 299 रुपए में क्वार्टरली है और 499 रुपए में एनुअली, मतलब तो आप मात्र 499 रुपए खर्चा कीजिएगा तो आप बहुत आसानी से कोई भी मूवीज को देख सकते हैं और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप यहाँ पे जैसे ही सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा तो आप कोई भी मूवीज को देख सकते हैं और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, जियो सिनेमा। तीसरा एप्लीकेशन है जियो सिनेमा। जियो सिनेमा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। दोस्तों जियो सिनेमा एप्लीकेशन पे भी आपको बहुत ज्यादा मूवीज और वेब सीरीज आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फ्री मूवीज का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, फ्री मूवीज जो भी है अवेलेबल वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। और अगर दोस्तों कुछ पेड मूवीज भी रहती है तो दोस्तों अगर आप प्रीमियम ले लीजिएगा तो आप कोई भी मूवीज वेब सीरीज को बहुत आसानी से देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। तो प्रीमियम इसका मात्र 29 रुपए में है, 29 रुपए में अगर पे कीजिएगा तो एक महीना तक आप देख सकते हैं कोई भी मूवीज और वेब सीरीज को जियो सिनेमा एप्लीकेशन। तो दोस्तों ऐसे आप न्यू रिलीज मूवीज को देख सकते हैं और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्नो ग्रीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।